गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आरके सर, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज से मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं, बिल्कुल आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए 30 मैथ चूंकि सिलेबस में पूछा जाएगा तो पूरे मैथ की तैयारी के लिए आज से मैं लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 2700 का फुल सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन मिलते जाएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। आपके पास यदि बुक हो तो और बेहतर है, और कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो और आपके लिए बेहतर होगा। तो रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप उसको देखिएगा और साथ ही साथ बनाने का प्रयास करिएगा, और ये भी देखिएगा कि आपसे कितना सही बनता है। क्योंकि जो पिछला साल 2018 में ग्रुप डी में एएलपी में जो एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन है, जिसका लेवल बहुत ही ऐसा लेवल था जिसमें कि टाइम टेकन क्वेश्चन ज्यादा था, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन था, तो इस बुक को बनाना बहुत जरूरी है। एक प्लेटफॉर्म का 3200 बुक आया, लेकिन 3200 में 2016 वाला पूछा गया क्वेश्चन जो ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब उस लेवल का क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो आपको 2700 क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है यदि आप चाहते हैं कि हम सक्सेस हो 30 में 30 मैथ बनाए। तो निश्चित रूप से आप इस 2700 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आप देखेगा, वीडियो को अंत तक देखेगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जो प्रॉब्लम हो यदि आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप जरूर बोलिएगा, मैं उसे दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन में मिलाते चलना है, साथ ही साथ ऑप्शन भी मिलाते चलना है। क्वेश्चन नंबर एक, मार्ग को 4.5 मतलब 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की। यदि आप रेशियो पढ़े होंगे तो गाय मुर्गा एक चैप्टर पढ़े होंगे तो उसी से हम लोग इसको इजी वे में बना लेते हैं। आपको टोटल पूछ रहा है, टोटल समय कितना दिया हुआ है, 4.5 घंटा 4.5 आवर्स। इतना देर में आपको तय कितना करना है, 220 किलोमीटर। बिल्कुल ये तो आपका क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपने कुछ तय किया है ट्रेन से, जबकि ट्रेन की चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति आवर, और कुछ आपने तय किया है बस से, बस की चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो बोल रहा है बताइए कितनी उसने बस द्वारा कितने समय किया है। तो पूछ रहा है बस का, तो गाय मुर्गा से पूछ रहा है बस कि बस का समय, बस द्वारा कितना समय, तो पूछ रहा है बस। तो टोटल को मानेंगे ट्रेन, मतलब टोटल दूरी ट्रेन से तय किया जाए, तो टोटल मतलब 4.5 घंटा आप ट्रेन से चलेंगे तो ट्रेन का चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4.5 को 60 से गुना करेंगे तो ये देखिए 0 से ये पॉइंट कट जाएगा, 45 को 6 से गुना करेंगे, 6×5=30 के 0 और 6×4=24 3×27 यानी 270 किलोमीटर जाना चाहिए था, लेकिन आप लाए हैं 270, यहाँ दिया हुआ है 220, अंतर कितना के। तो बोलिए कि सर 270 और 220 तो अंतर कितना के हो गया, तो बोलिए 50 के अंतर है, तो 50 के अंतर हो गया। यहाँ कितना के अंतर, तो 60 40, अंतर कितना के 20 के काटेंगे, 5/2 यानी 2.5 घंटा आ गया आपका कि बस से चला है। फिर से गाय मुर्गा आप नहीं पढ़े हैं तो जल्दी आपको गाय मुर्गा संबंधित आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से समझिए, जब भी दो अलग अलग समूह दिया रहे और पूरा परिणाम दिया रहे तो जिसे ज्ञात करना है उसका विपरीत मानेंगे। ज्ञात करना है बस का समय, मान लेंगे ट्रेन से गए हैं, ट्रेन का चाल है 60 है, 4.5 घंटा पूरा ट्रेन से जाएंगे तो 270 यहाँ दिया हुआ, 220 अंतर 50 का, दूरी का अंतर 50, चाल का अंतर 20, दूरी बटा चाल काट दिया, समय आ गया 2.5 घंटा। आप अपना ऑप्शन से मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो में ग्राफ आपको दिख रहा होगा। एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है, दिया गया है ऋण ब्याज 2016-2017 में 25-25%, वेतन 2016-50, 2017-55, कर 2016-25, 2017 में 20, कुल मिला के 100, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है तो दोनों 100%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है और 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख है, तो 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक है। अच्छा, अधिक पूछ रहा है, तो बोलिए कि सर 2016 में वेतन देखिए मिला है क्वेश्चन में है 50%, 2017 में है 55%, तो ऐसा करते हैं 2016 का वेतन निकाल लेते हैं, 2016 में टोटल खर्च 120 है, 2016 में
और 2017 में टोटल खर्च 150 है। वेतन की जहां तक बात है तो 2016 में वेतन आपको दिख रहा होगा, वेतन 50% है, तो इसका 50% निकालेंगे। तो बोले सर 50% तो सीधे आधा हो जाता है 60, और 2017 में वेतन है 55%, तो इसका 55% निकालेंगे, तो 55% निकलेगा कैसे, तो दशमलव में आएगा, तो 55% निकालेंगे, तो इसका 55% आपका आ जाएगा, परसेंट से एक शून्य काट देते हैं, 15 × 5 = 75 के 5 बच गया 7, 15 × 5 = 75 और 7 = 82, यानी आ गया 82.5 लाख, इधर आ गया 60 लाख। तो यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था, 2016 में 60 और 2017 में यहाँ पे कितना हो गया 82.5, कितना अधिक, तो बोलिए सर 22.5, तो 22.5 लाख में दे रहे, तो आंसर लाख आप अपने ऑप्शन से मिलाइए 22.5 लाख, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।